घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अक्सर आप सभी लोगों का ही सवाल रहता है, अभी अभी जिस प्रकार से, जिस तेजी से मैंने सरगम आपको बोल के दिखाई, आपका यह सवाल रहता है कि ऐसी तेज सरगम कैसी बोली जाए। और अगर और स्पेसिफिक करूं इस सवाल को, तो जो इन जनरल आता है मेरे पास वो यूं है कि उस्ताद, नुसरत फतेह अली खान साहब जैसी सरगमें कैसे ली जाए, नुसरत साहब जैसी सरगमें कैसे ली जाए। आप सभी ने अगर उनकी गायकी सुनी है तो आपको पता होगा कि उनका जो सरगम बोलने का अंदाज़ है वो अपना यूनिक है, और बहुत तेज़ी से बहुत अच्छी अच्छी सरगमें वो बोलते हैं। तो यही सबके मन में रहता है उनको सुन के कि हमें भी ऐसी सरगमें बोलने आ जाए, ऐसी तेज़ी आ जाए, है ना, इतनी तेज़ सरगम हम बोल लें, हमारे ज़बान पे वो स्वर ऐसे चढ़ जाएं कि हम जो पेयर बोलना चाहें, जो फ्रेज़ बोलना चाहे वो हमारे मुँह से निकल जाए, जो हमारे दिमाग में टिपिकल फ्रेजेस बनते हैं। जैसे उस्ताद गुलाम अली खान साहब को आपने अगर सुना हो, जो गज़ल सिंगर हैं हमारे, उनकी सरगमें आप ले लीजिए, उनका हारमोनियम वादन ले लीजिए, वैसी सरगमें अगर कोई बोलने का इच्छुक है और सीखना चाहता है वैसी सरगमें, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, ये सवाल आते रहते हैं। हर एक स्टूडेंट के मन में ये सवाल होता है, तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्लियर कर पाऊँ कि कैसे आप उन सरगमों का रियाज कर सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि स्पेसिफिक कुछ सरगमें हैं कि वो आप रियाज करेंगे तो उनके जैसी आ जाएंगी चीज़ें, है ना। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो इस चीज़ पर ध्यान दें कि एक चीज़ होती है संगीत में उपज अंग, उसका मतलब होता है क्रिएटिविटी, डेवलपमेंट, उसी समय डेवलप हो रही है, मतलब प्रोड्यूस हो रही है चीज़, उसी समय जन्म ले रही है, फूट रही है, वहाँ संगीत उपज रहा है वहाँ से। तो जो सरगमें होती हैं, पहली बात, वो रटी हुई नहीं होती हैं कि खान साहब ने कोई सरगम रट ली है पहले से, या वो पैटर्न याद कर लिया जब वो सरगम गा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। म्यूज़िक बनाते हैं जब वो लोग, रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डेड म्यूज़िक होता है, तो हो सकता हो उसमें कुछ कुछ चीज़ें वो फिक्स करके म्यूज़िक रिकॉर्ड कर देते हैं, कुछ सरगमें रिकॉर्ड कर देते हैं, मगर ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो लाइव गाई जाती हैं वो उपज, पूरा क्रिएटिविटी है, उसी समय वो सरगम जन्म लेती है। अब उस सरगम में क्या क्या है, उसमें एक लय है, उसमें एक स्वर है, उसमें एक फ्रेज़ है जो उन्होंने बोला है, ठीक है, एक पैटर्न है जिस पैटर्न में उन्होंने वो सरगमें बोली हैं। तो जाहिर सी चीज़ है, अलंकारों का रियाज है, अगर वो आप करते हैं तो वो ज़बान पे स्वर चढ़ जाएंगे। टिपिकल अलंकार जो होते हैं उनका अगर आप रियाज करते हैं, जैसे हमारे सात अलंकार जो बेसिक है वो तो आप सभी करते हैं, सारे गम पद निशा सा सारे रे ग म सारे ग रे ग म ग म प म पद सारे ग म रे ग म प ग म पद सारे ग म प रे ग म पद ग म पद नि सारे ग म पद रे ग म पद नि सारे ग म पद नि रे ग म पद नि सा, ये वाले तो सब करते हैं जो सपाट जो अलंकार हैं सारे के सारे। लेकिन कुछ टिपिकल और अलंकार हैं जो अगर आपने हमारी किताब है स्वरांगिनी वो खरीद रखी है तो उसमें के उसके कुछ अलंकार हैं, बाकी आपके गुरुजनों ने आपको कुछ बताए होंगे, और बहुत गुरुजनों ने अलंकार बनाए हैं, जैसे कि वो अलंकार है सारे रे ग म म प प द नि नि सा सा नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा, इसको करते हैं तो वो एक कैसे एक लड़ी बनती है, लड़ बना सकते हैं आप, है ना, सारे सा म ग म सारे सा प म प, है ना, ऐसे कुछ झाले के पैटर्न्स मैंने हारमोनियम में बनाए हैं। तो यहाँ मैं आता हूँ नुसरत साहब की अगर गायकी पे हम बात करें, तो हमने ये देखा है कि उनके साथ जो हारमोनियम पर रहते हैं या जो हारमोनियम वादन जिस ढंग का होता है, उनकी सरगमें भी कुछ उसी ढंग की होती है, कुछ इंस्ट्रूमेंटल ढंग की सरगमें अगर आपने नोट करी हो तो वो बोला करते हैं। जैसे कि अभी एक अंग मैंने सुनाया आपको, निजा सा निजा सा निजा निजा सा सा निजा सा सा, ये जो अंग है उनका वो बोलते हैं, और आपने अगर वैसे नोट किया हो तो उनके जो शब्द होते हैं वो नीता तता सा नहीं बोलते हैं, वो स नहीं बोल के ता बोलते हैं, क्योंकि जब बहुत स्पीड में वो चीज़ होती है तो स्पष्टता वैसी नहीं आ पाती है, इसीलिए वो स का ता आ जाता है, फिर ड भी बीच में आता है, नीताड़ा नीताड़ा ऐसा ताड़ा 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 ताड़ा, ऐसा आपने साउंड सुना होगा उनका। बाकी आप चाहें तो उसको जो ओरिजिनल शब्द हैं उनके साथ रियाज करेंगे तो वो भी आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं उसमें, अगर आप रियाज करें तो जाहिर सी चीज़ है, है ना। ये मैं वो टिप्स दे रहा हूँ जो आप कर सकते हैं, जो आप अगर करेंगे तो शायद वो चीज़ें आ जाएँ, वो रियाज आप करेंगे तो आ जाए, है ना। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर ये समझ लेते हैं कि मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो मुझे भी आनी चाहिए, है ना, कि मैं वैसा क्यों नहीं बोल के दिखा रहा हूँ, मैं उस लेवल पे क्यों नहीं हूँ, है ना। तो ये सारे कमेंट्स आते हैं, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि
मैं बता रहा हूं इसका मतलब है आप वो करेंगे तो आ जाएगी, मैं भी करूंगा तो मुझे भी आ जाएगी। शायद मैंने भी उतना नहीं किया इसलिए अब तक नहीं आई, पर मुझे ये जरूर पता है कि उसी को करने से आएगा, वही रास्ता है ना। तो अब अगर मुझे वो रास्ता मालूम है और अगर मैं किसी और को भी बता सकता हूँ तो मैं सिर्फ मदद कर रहा हूँ, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, है ना। ये आप प्लीज़ जान लें कि मैं यहाँ कोई गुरु बन के नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ मददगार हूँ। जो चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत आती हैं मैं वो बताता रहता हूँ, मैं सिखाता नहीं हूँ, है ना। क्योंकि वो काम आपका है, आपने नहीं किया तो आपको नहीं आएगा। मुझे आता है तो आपको आ जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप पंडित जसराज जी के पास भी चले जाएं और आप सोचें कि वहाँ जाकर सिर्फ मैं बहुत बड़ा पंडित बन जाऊँगा तो आप गलत फहमी में हैं, है ना। रियाज आप ही को करना पड़ेगा, अभ्यास ही आपका गुरु है और कोई नहीं, है ना। मेरे आने से या किसी अच्छे कलाकार, आप अच्छे गुरु के स्टूडेंट है इसका मतलब आपको आता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। रियाज आप ही का है, ठीक है। तो वो जो चीज़ मैंने बताई कि कुछ टिपिकल अलंकार हैं जिनका अगर आप रियाज करते हैं, जैसे कि कुछ अलंकार तो हमारे बुक में दे रखे हैं स्वरांगिनी में, जैसे कि ये है सारे सा ग रे ग रे म ग म ग प म प म ध प ध भ नि ध नि ध स सा नि सा ध नि ध नि प ध प ध म प म प ग म ग म रे ग सा। बेसिकली क्या है, ये स्वर जो है ये जबान पे चढ़ने चाहिए, फिर आप कोई भी लड़ बना सकते हैं। सारे सा म ग रे सा सारे सा प म ग रे सा सारे सा ध भ म ग रे सा सारे सा नि ध भ म ग रे सारे सा सा नि ध भ म ग रे सा, है ना। स ग ग ग प प भ ध ध ध नि 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 सा सा नि सा 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 नि सा 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 नि सा सा। ये जो अंग है ये उनका वो यूज करते हैं। तो ये जो झाले के कुछ पैटर्न्स हैं जो इंस्ट्रूमेंटल अंग में बजता है ना, वो अगर आप प्रैक्टिस करें जबान से तो वैसी सरगम में निकल आएंगी, है ना। सा नि सा 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 नि सा सा नि सा 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 नि सा सा नि सा नि रे 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 नि रे 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 नि रे नि रे रे नि रे रे नि सा 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 नि सा 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 नि सा 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 नि सा 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 नि सा सा धने ने धने ने धने 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 ने धने ने धने 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 ने धने ने प द द ग ब ब ब रे ग ग ग सा रे 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 नि रे 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 म म म ध ध ध ने ने नि सा 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 नि सा सा। ये इंस्ट्रूमेंट अंग है, इंस्ट्रूमेंटल अंग है, है ना। सागर सा नीरे सा नीधा सा नीधा पानी धा म ध प म ग प म ग रे म ग रे सागर सा। ये अलंकारिक अंग है, जो अलंकार अगर आपने रियाज किए तो ये अलंकारिक अंग की आप ताने बना सकते हैं ना। सारे सारे का सारे गा मा सारे का सारे गा मा रे गा मा रे गा मा ब ग म ब ग म ब ध म ब ध म ब ध नि ब ध नि ब ध नि सा सा नि ध सा नि ध ब नि ध ब नि ध ब म ध ब म ध ब म ग ब म ग ब म ग रे म ग रे म ग रे सा। ये भी अलंकार है, अलंकारिक ढंग है। तो तेज सरगम अगर बोलनी है तो रियाज करना पड़ेगा उनका, है ना। मगर उनको जब गायकी में अप्लाई करोगे तो महज वो तेज सरगमें आपके काम नहीं आएंगी। मैंने हमेशा कहा है कि हमें आता बहुत कुछ है, मगर वो अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो वो हमारा नहीं है। मैंने बहुत ऐसे सिंगर्स देखे हैं मेरे साथ सीखते हुए, मैंने उनको सुना है जिनका गला बहुत बेहतरीन चल रहा है, ऐसी ऐसी ताने उनके गले से आती है बहुत तेज़, लेकिन वो उनके कंट्रोल में नहीं है, वो लय में नहीं है, है ना। अगर उन्हें कहा जाए कि इसकी हल्की सी लय कम करके यही तान लेके दिखाओ तो नहीं ले पाएंगे। अगर उनके गले में इस लय में फिट है तो इस लय में नहीं आएगा, यानी वो काबू में नहीं है, और काबू में नहीं है तो वो आपका नहीं है। जाहिर सी चीज़ है, सरगम मुंह से निकलती है, बहुत तेज निकल सकती है, लेकिन उसको जिस लय में ढालना हो तो नहीं ढाल सकते। अब मैं यही चीज़ कहूँ, सा ग ग ग प प प द द ध नि नि सा ग ग ग प प प द द ध नि नि सा ग ग प प द ध नि, है ना। लय अलग जा रही है, सा ग ग ग प प प द द ध नि नि सा ग ग ग प प प द द ध नि नि सा ग ग ग प प प द द ध नि नि, है ना। वही फ्रेज है, अलग अलग लयों में है। तो लयकारी है सरगम को, जबान पे स्पष्टता है, उससे ऐसी सरगमें ऐसी ताने आप बोल सकते हैं। और फिर कौन से गाने में किस ढंग की चाहिए वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो तेज सरगम बोलनी है तो तेज सरगम का रियाज करो, लेकिन वो है कि सरगमें कैसी हों उसका भी ख्याल होना चाहिए। टिपिकल सरगम जो होती हैं, जैसे मेरखंड का अलंकार है, जो मेरुखंड मैंने आप लोगों को बताया है, जो मेरे गुरुजी मेरे दादा गुरु पंडित नरेंद्र कुमार ब्यावत जी का बनाया हुआ अलंकार है, मेरखंड का एक शॉर्ट फॉर्म है, कंप्लीट मेरखंड नहीं है वो, उसके भी वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वो अगर आप अभ्यास करते हैं, जैसे सारे ग रे ग सा ग सा रे ग रे सा रे सा ग सा ग रे रे ग म ग म रे म रे ग म ग रे ग रे म रे म ग ग म भ म भ ग भ ग म भ म ग भ ग भ म, ये तीन का है। सारे ग म रे ग म सा ग म सा रे म सा रे ग म ग रे सा ग रे सा म रे सा म ग सा म ग रे सा रे ग म प सा रे ग म भ रे ग म भ सा सा रे ग म भ रे ग म भ सा ग म सा प ग म भ सा रे म भ सा रे ग प सा रे ग म भ म ग रे सा म ग रे सा भ ग रे सा प म रे सा प म ग सा प म ग रे, है ना। सा रे ग म भ ध रे ग म भ ध सा रे ग म भ ध रे ग म भ ध सा ग म भ ध सा रे। ये हो गया। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। ये तो चलो संपूर्ण जाति की चीज़ें हैं, तो संपूर्ण में ये अलंकार आप बोल सकते हैं। जब जातियाँ बदलती हैं राग की, यानी आप औड़व और शाड़व में आते हैं जिसमें कि स्वर छूटते हैं, उनमें भी फिर दिक्कत आती है कि आप बोलेंगे कि उनमें सरगमें कैसे बोलें, क्योंकि उनमें तो बीच बीच में स्वर छूट रहे हैं। अभी जो मैं बोल रहा था उसमें सा ग प ध रे और मध्यम लगी नहीं रहा था, सा ग प ध नि सा,
ये लग रहे थे, रे और म लग ही नहीं रहा है। अब ऐसे ही हम कोई दूसरी राग लें जिसमें और दूसरे स्वर नहीं लग रहे हैं, जैसे सा ग म द नि सा नि ध म ग म ग ग सा, पंचम भी नहीं लग रहा है, सा म म म ग म म ग म म ग म ग म ग म ध ध म म ग म ग म ध ध म म ग म ध नि नि ध नि नि म ध नि सा नि सा नि ध नि ध म ध म ग म ध म ग म ग सा नि सा ध नि सा म ग म सा म ग म सा म ग म ग ध म ध ग ध म ध म नि ध नि म नि ध नि ध सा नि सा ध नि सा ग सा नि सा नि ध नि ध म ध म ग म ध म ग म ग सा नि सा धनी सा गमा धनी सा धनी सा निसा, है ना। अलग अलग जातियों की रागें होंगी। तो ये है कि जब आप रागें सीखते हैं तो उन रागों में उनके पलटे करते हैं, है ना, पलटे यानी उनके अलंकार करते हैं। तो जब वो करते हैं तो वो जबान पे चढ़ते हैं, तो वो स्वर फ्रेजेस जो है वो जबान पे चढ़ते हैं। तो जाहिर सी चीज़ है, रियाज है और कुछ कुछ चीज़ें सीखनी हैं तब जाके वो तेज सरगमें आती हैं। ऐसे ही नहीं इतने बड़े कलाकार हो जाते हैं वो जो इस लेवल पे बैठे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बैठे हैं, है ना। और इंटरनेशनल लेवल तो क्या ही कहें, वो तो दैवीय लेवल पे बैठे हैं ये कहूँगा मैं। इंटरनेशनल तो चलो ये दुनिया की बात कर रहे हैं हम, दैवीय लेवल, डिवाइन लेवल है उनका। क्योंकि जब इंसान ऐसे इंसान गाते हैं जो ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, तो उनका क्या लेवल आप बताओगे, इंटरनेशनल या नेशनल या स्टेट, है ना। तो वो चीज़ें हैं, तो उसके लिए रियाज करना पड़ता है, मेहनत लगती है, सवेरे उठना पड़ता है। वो चीज़ें नहीं करोगे, वो तजर्बा नहीं लोगे, सीखोगे नहीं, कुछ नहीं होगा, जाहिर सी चीज़ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि तेज सरगम बोलने का लॉजिक क्या है या फिर कैसे अभ्यास किया जा सकता है। कुछ टिपिकल अलंकार हैं, उनको समझो, पहले सिंपल को करो, फिर टिपिकल पे जाओ, फिर और बड़े पे जाओ, है ना, फिर अपने अनुसार आप कर सकते हो, धीरे धीरे आप ऐसे ही बढ़त कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गएंगे होंगे आप कि क्या प्रोसेस है सीखने का और कैसे क्या रियाज करना चाहिए। तो बस सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जुड़े रहें, शेयर करें इस वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन का ये सवाल दूर हो। धन्यवाद।